राजस्थान में वसुंधरा ने मार दी हार, भगवान भरोसे छोड़ी किस्मत। विधानसभा चुनाव में जनता से बीजेपी के लिए मांगे वोट, 5 नहीं इस बार 10 साल के लिए बनाए सरकार। सीएम पद को लेकर संकेतों में किया दावेदारी का ऐलान। 20 साल से राजस्थान में बीजेपी ही वसुंधरा और वसुंधरा ही बीजेपी के नारे लगाए जाते रहे। राजस्थान बीजेपी में वही होता रहा जो वसुंधरा ने चाहा। यहां तक कि जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने तो वो भी राजस्थान को लेकर खुलकर फैसले नहीं कर पाते थे। राजस्थान में वही होता था जो वसुंधरा चाहती थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने की बात कही, लेकिन वसुंधरा ने वीटो लगा दिया। उससे पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई तो अमित शाह के प्रस्तावित नाम को वसुंधरा ने नहीं माना और हर बार वसुंधरा की ही चलती रही। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही वसुंधरा बीजेपी से अलग थलग सी पड़ गई है। कुछ दिनों पहले तक वो पार्टी के पोस्टरों से भी गायब हो गई थी, लेकिन अब उनकी पोस्टर पर तो वापसी हो गई है। लेकिन चुनावी साल में भी उनकी सीएम उम्मीदवारी का ऐलान पार्टी हाईकमान करने को तैयार नहीं है, इसलिए वसुंधरा भगवान भरोसे दिखाई दे रही है। वसुंधरा का फेसबुक पोस्ट बहुत कुछ कह रहा है। संकेतों में ही सही, वसुंधरा अब हाईकमान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब तक अपनी जिद से हाईकमान को झुकाने वाली वसुंधरा कमजोर पड़ती दिख रही हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कह रही हैं, आज राजस्थान के लोगों का जो प्यार है वो ही हमारी पूंजी है। इसी पूंजी के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, यही प्यार है भाइयों जिसके ऊपर हम दौड़ते भागते हैं, जिस प्यार के लिए हम जान भी देते हैं, ये सबको नहीं मिलता है। जब गाँव में जाती हूँ कहीं बड़ा बुजुर्ग सिर पर हाथ रख देता है, गाल पर हाथ फेर कर प्यार करता है, इससे बड़ी बात मैं समझती हूँ नहीं हो सकती। इससे जरूरी है कि मेहनत करते रहें। मेरे से कोई भी पूछे ये क्यों करते हो, दूसरी सरकारें तो करती नहीं हैं, आप तो आराम से चलो। मैं लोगों से कहती हूँ, देखो किसी भी सरकार को काम करवाने के लिए 10 साल तो दो, 5 साल इतना शॉर्ट टर्म होता है कि दौड़ दौड़ कर करके काम भी करो उसे कम्प्लीट नहीं कर सकते। हम पूरा घर सजा कर छोड़ते हैं, फिर कांग्रेस आ जाती है उसका मजा उठाती है, जो जो काम हमने किए उसका फीता काटने का काम कांग्रेस करती है। वसुंधरा ने कहा कि हमें कम से कम 10 साल का समय दो, 5 साल तो भाग दौड़ में ही निकल जाता है। इसके साथ ही वसुंधरा ने कहा कि अब वो भगवान के भरोसे हैं। अब तक जो भी काम हुआ है वो सिर्फ भगवान के भरोसे से हुआ है, भगवान ने छप्पर फाड़ दिया है, दिल खोल कर दिया है, और अब वसुंधरा भगवान से 10 साल और मांग रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या बीजेपी हाईकमान वसुंधरा की मांग को स्वीकार करेगा, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने अभी तक राजस्थान में सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में वसुंधरा विरोधी गुट भी चाहते हैं कि पार्टी सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किए बिना ही चुनाव लड़े। राजस्थान बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया का गुट पूर्व सीएम के नाम पर ही चुनाव मैदान में जाने की बात कह रहा है, और वसुंधरा को इस बात का एहसास हो चुका है कि फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत अब भगवान के भरोसे छोड़ दी है। वैसे वसुंधरा ने लंबे समय बाद अशोक गहलोत की सरकार पर सीधा निशाना साधा है, नहीं तो 4 साल तक वसुंधरा ने गहलोत सरकार के खिलाफ कभी भी सख्त बयान नहीं दिया था। लेकिन अब कुछ दिनों से वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता बढ़ती दिख रही है और वो गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।